हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अस्तिन कटिंग करने के लिए आप ब्लाउज के आर्म होल से अस्तिन का आर्म होल कैसे फाइंड करोगे। देखो, ब्लाउज का आर्म होल और अस्तिन का आर्म होल होता तो दोनों सेम है, लेकिन दोनों को कटिंग करने का जो प्रोसेस है, फाइंड करने का प्रोसेस है, निशान लगाने का जो प्रोसेस है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आज हम लोग दो तीन तरीकों से इसको समझने वाले हैं। एक तो जब आपके पास ब्लाउज है, पुराना ब्लाउज, उसमें आप क्या कर सकते हो, इसका आर्म होल नाप सकते हो, है ना। ब्लाउज का आर्म होल कितना है, आपने आर्म होल गोलाई को नाप लिया तो आपको ये मेजरमेंट मिल जाएगा। इसके आधार पर दो तरीकों से कटिंग हो सकती है। सबसे पहले हम एक अस्तिन का शेप बनाते हैं, फिर मैं आप लोगों को आगे क्लियर करता चलूंगा। देखो, ये करते हैं पेपर को डबल फोल्ड, एक सिंपल स्लीव, छोटा सा स्लीव यहाँ पर हम लोग कटिंग देखेंगे, ज़्यादा लंबी स्लीव के बारे में बात नहीं करेंगे। लंबी स्लीव में क्या आपको प्रिकॉशंस रखने चाहिए उसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी देखो, यहाँ पर इस तरह से हम एक सीधा निशान लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप दो निशान और लोगे, एक तो आपके अस्तिन के लेंथ का, दूसरा गोलाई का, ठीक है। तो जो भी निशान आप यहाँ पर पहले लेना चाहें इसमें ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको यही वाला निशान पहले लेना है। एक लंबाई का, एक गोलाई का, दो निशान आपको लेना है। छोटा अस्तिन हम बना रहे हैं, 4, 4.5 इंच तक के, ये बिल्कुल सूटेबल रहेगा। देखो, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे गोलाई की। तो गोलाई का निशान आप लगा लेंगे इस प्रकार से। ये कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 5 इंच पर गोलाई का निशान लगाएंगे। हाँ, इतना ध्यान रखना कि गोलाई निशान लेने के बाद 1.5 इंच आपको मार्जिन लेना है, ये कंपलसरी रहेगा किसी भी साइज में। 1.5 इंच आप मार्जिन बिल्कुल लोगे, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि जब भी आप छोटी अस्तिनें बनाते हैं, लाइक 5 इंच से छोटी, तो उस कंडीशन में ये वाला जो आपका लाइन होता है, कौन सा लाइन, आर्म होल ड्रॉ करने के लिए उधर जो हम 2.5 इंच पर निशान लेते हैं ना, यहाँ पर ये आपको 2.5 इंच लेना है। कब, जब आप 5 इंच से या 4 इंच से छोटी अस्तिनें बना रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अस्तिनें चलती हैं। तो ये कंफ्यूजन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये निशान कितने इंच पर लेना है। ये 2.5 इंच पर आप ले लोगे, जैसे ही आपका ये निशान, अस्तिन का जो लेंथ है, बढ़ते जाएगा तो ये निशान भी नीचे जाते जाएगा। कैसे, जैसे मान लो आपकी अस्तिन की लंबाई 6 इंच हो गई, 7 इंच हो गई, तो ये निशान आप 2.5 इंच से उठा करके सीधा 3 इंच, 3.25 इंच, 3.5 इंच पर लेकर के जाओगे। कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करती है, ये निशान कभी कभी 4 इंच पर भी लगाना पड़ जाता है, जो अभी हमने 2.5 इंच पर लगाया। अब देखो, जो निशान आपका 2.5 इंच पर लगा है ना, यहीं पर आप एक मेजरमेंट लेते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी आप 4 इंच, 4.5 इंच तक की अस्तिनों को बनाते हैं, तो जो आपकी अस्तिन की गोलाई है उससे 1 इंच बढ़ा करके आप अस्तिन के आर्म होल के लिए निशान ले सकते हो, ठीक है। जितना गोलाई है उससे 1 इंच बढ़ा करके, उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन इसमें भी कंपलसरी है, ठीक है। ये ध्यान रखना, 1.5 इंच का मार्जिन कंपलसरी रहेगा दोनों जगह पर। अब ये हमारा आर्म होल नहीं है, ठीक है, ये आर्म होल के लिए हमने एक सीधा निशान लगाया। तो आर्म होल क्या होगा, आर्म होल होगा आपका जो आप यहां पर गोलाई शेप देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको रख करके चेक करोगे। जैसे हमने आर्म होल गोलाई के बारे में भी बात किया, पुराने ब्लाउज पर हमने नापा भी, तो ये आपको अलग अलग सभी मेजरमेंट्स पे सभी जगहों पर अलग अलग मिलेंगे। जैसे यहाँ पर हम नाप करके देखते हैं, हमको ये आर्म होल गोलाई लगभग मिल रहा है 8.5, 8.25, ठीक है, 8.25 के आसपास। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जब हम इस तरह से आर्म होल की गोलाई को नापेंगे, तो यहाँ पर हमको वही मिलना चाहिए, कितना, 8.25, 8.5 है तो 8.5, 9 मिल रहा है तो 9, जितना आपको पुराने ब्लाउज पर मिल रहा उतना ही यहाँ पर मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा की नीड नहीं है। हाँ, एक चीज कर सकते हो, जिन लोगों को ना अस्तिन, मतलब फिटिंग करते वक्त छोटा पड़ता है, कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि अस्तिन फिटिंग करते वक्त छोटा पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में आप ब्लाउज के आर्म होल से अस्तिन के आर्म होल को 1 इंच लूज रख सकते हैं। लेकिन बात वही है कि अगर आप ज़्यादा लूज रखते हो तो फिर झोल आने की शिकायत आती है, तो उससे बेटर है कि आप हल्का सा खींच करके अस्तिन को फिट करें। अब खींचने का कहते हैं ये मतलब नहीं है कि आप उसको बहुत ज़्यादा खींचो, बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो अस्तिन का शेप बिगड़ता है। खींच करके लगाया हुआ अस्तिन स्पष्ट नज़र आता है, जब आप ब्लाउज बना देते हो ना, ब्लाउज को आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा अस्तिन इसमें ठीक से फिट नहीं हुआ है। तो ये सब बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी आपको ये लाइन घुमानी है, ये इस तरह से। अब साइज के हिसाब से, अस्तिन कितना बड़ा है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये जो निशान है वो घूमेगा कहाँ से, ठीक है। कभी हम इसको 2 इंच से ही घुमा देते हैं, कभी 2.25 से, कभी 2.5 इंच से, कभी 3.25 इंच से,
तो वो अस्तिन के साइज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब अस्तिन के साइज में आप बोलोगे सर अस्तिन की लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं, लंबाई को छोड़ के गोलाई और इसका जो आर्म होल है उसके हिसाब से डिपेंड करता है, क्योंकि लेंथ तो कुछ भी हो सकती है अस्तिन की, चाहे कम साइज हो फिर भी लेंथ आप बड़ा छोटा रख सकते हैं। मैं गोलाई और आर्म होल इसलिए बोला क्योंकि साइज जैसे बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है उसका अस्तिन का गोलाई भी बड़ा होगा और आर्म होल भी बड़ा होगा, तो इसको बड़ा छोटा लेना है ना, लंबाई की यहाँ पर बात नहीं हो रही। अब ये आपने शेप दे दिया, इसके बाद देखो एक तरीका मैं और बताता हूँ। ये कौन सा कंडीशन हुआ, जब हमारे पास पुराना ब्लाउज था, हमारे पास आर्म होल गोलाई थी, तब हमने इस तरह से अस्तिन का कटिंग किया, बहुत डिटेल में हमने इसको समझा। अब मान लो कि हमको कोई ज़्यादा मेजरमेंट वगैरह नहीं लेना है, तो पुराने ब्लाउज को रख के पुराने ब्लाउज के हिसाब से भी आप कंप्लीटली अस्तिन की कटिंग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा ऊपर आके एक निशान लगाते हैं इस तरह से। उसके बाद हम पुराने ब्लाउज के अस्तिन का यूज़ करेंगे, देखना कैसे यूज़ करेंगे, आपको समझ में आएगा। अभी ये इस प्रकार से आपको लेना है अस्तिन को और यहाँ पर ला के रखना है ऐसे, ठीक है। जब आप इस तरह से रखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ निशान्स मिलेंगे, कौन कौन से, एक तो ये वाला, ठीक है, गोलाई का निशान हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक निशान मिलेगा लेंथ का, तो ये लेंथ का निशान आप ले लोगे, वो कौन सा निशान है, जो आपका अस्तिन फिट हुआ है वो सिलाई का निशान, ठीक है। तो ये आपका लेंथ हो गया, आपको गोलाई मिल गई। अब आपको चाहिए आर्म होल, तो वो भी यहीं से मिलेगा, देखना कैसे मिलेगा। इस प्रकार से हमने इसको रखा हुआ है और उसके बाद ये ऐसे, ठीक है। तो ये आपको आर्म होल छोटी अस्तिनों में बहुत इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद यहाँ पर सीधा सीधा हम इसमें जो शेप हमने बना रखा है वही बना देंगे, ठीक है। इसको उठा लेंगे अब ये ऐसे। अब इनको मिलाना कैसे कैसे है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले मिलाया था। इसको पहले सीधा इस तरह से खींचेंगे, इसको इस तरह से, और प्रॉपर मार्जिन 1.5 इंच का दोनों पे, मतलब एक स्केल का मार्जिन आपको देना है। उसके बाद यहाँ से वो शेप आपको ड्रॉ करना है, ये देखो स्लीव का, ठीक है, ये ऐसे। तो इस तरह से आपके अस्तिन की कटिंग होगी। अब यहाँ पर अभी हमने बात नहीं किया गहरा पल्ला छांटना है, ये करना है वो करना है, उसके बारे में बात नहीं किया। एक प्रोटिप आप लोग को देना चाहता हूँ। मान लो कि आपके पास ना तो पुराना ब्लाउज है ना आप लोगों के पास आर्म होल की गोलाई का मेजरमेंट है, उस कंडीशन में अभी हमने क्या देखा कि जब छोटी अस्तिने हैं 4 से 4.5 इंच तक की, तो गोलाई से 1 इंच बढ़ के हमने आर्म होल का कौन सा निशान लिया, सीधे निशान को लिया, गोलाई से 1 इंच बढ़ करके ये वाले निशान को। लेकिन बात यहीं पर आती है कि अगर आपको बड़ी अस्तिन बनाना है, आपके पास अगर आर्म होल की गोलाई भी है तो भी आप फंस जाओगे, तो उस कंडीशन में एक मेजरमेंट जो है आर्म होल की गोलाई का वो आपके पास होना अनिवार्य है। और मान लो कि वो मेजरमेंट नहीं है तो उस कंडीशन में एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, जो भी चेस्ट साइज है उसका 1/6 हिस्सा लेना और जो भी आएगा उसमें 1 जोड़ देना। जैसे मान लो कि आपका जो चेस्ट साइज है वो है 36 इंच, तो उसमें 6 का भाग देंगे। अब सभी लोग इस चीज़ को समझना कि 36 में 6 का भाग देने पर क्या आएगा, 6 ही आएगा वापस से, है ना, 6 × 6 = 36। तो 6 आया, उसमें मैंने क्या कहा कि आपको +1 करना है। तो ये एक सीधा सीधा कैलकुलेशन चेस्ट साइज के हिसाब से मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। देखो ये जरूरी नहीं कि चेस्ट 36 ही हो, मान लो अगर 30 इंच ही होता चेस्ट तो भी आपको 6 का ही भाग देना है। कैसे 6 का भाग देना है, 30 में 6 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 में आपको 1 जोड़ देना है तो ये आपको 6 इंच मिलेगा। अब ये जो 6 मिला इसका यूज कहाँ करना है, इंची टेप के सहारे समझते हैं। ये 6 इंच या 7 इंच जो हमने 36 के हिसाब से देखा तो उनको 7 इंच मिला, 30 के हिसाब से देखे 6 इंच मिला, तो उस कंडीशन में ये वाला निशान आपको कहाँ यूज करना है, ये यहाँ पर इसको सीधा नापना है, ठीक है, ये वाली लाइन पर, ये आपका 6 इंच का निशान है, ये देखो ये जो 6 इंच 7 इंच का जो मैंने कैलकुलेशन दिया ना वो आपका यहाँ पर आकर के बैठेगा इस तरह से। ये आपकी आर्म होल गोलाई के लिए मैं फॉर्मूला नहीं दे रहा हूँ, आर्म होल के लिए सीधा निशान लगाने का फॉर्मूला, और बड़ी अस्तिनों में क्या ध्यान रखना है उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे अभी। देखो एक पेपर लेते हैं, उसमें हम बड़ी अस्तिन कटिंग करेंगे अभी, ठीक है। ये देखो ये इस प्रकार से रख करके
पेपर को बराबर हम यहां पर रखेंगे और उसके बाद सीधा स्केल से हम इस तरह से निशान लगाएंगे, ये देखिए। और उसके बाद हम लोग लेंगे लेंथ, मान लो हमको 10 इंच का आस्तीन बनाना है। आजकल ये 10 इंच 11 इंच वाले जो आस्तीन है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। 10 इंच का बनाना है, आधा इंच आप उसमें मार्जिन वगैरह सोच जो प्रोसेस है वो कर लेना, क्योंकि आज मैं बेसिक बताने के मूड में नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ। तो इसको इस तरह से आप प्रॉपर निशान लगाएं लेंथ का, उसके बाद स्केल से सीधा इस निशान को मिलाएंगे। अब हम गोलाई किधर नापेंगे उसको देखना, गोलाई हम नापेंगे उस साइड में, ये देखिए। यहाँ पर मान लो जैसे आपकी आस्तीन की गोलाई आ रही है 5 इंच की, तो 5 इंच का आप निशान लगाओगे, 1.5 इंची मार्जिन यहाँ पे भी कंपलसरी है, तो 1.5 इंच का आप मार्जिन दे देना। अब जैसे मैंने कहा कि वो जो नीचे हम निशान लेते हैं वो 2.5 इंच ना लेकर के बड़ी आस्तीनों में ज़्यादा लेना है, तो इसको आप सीधा सीधा 3.5 इंच ले लेना, ठीक है। 3.5 इंच ये निशान लेने के बाद स्केल से इस निशान को सीधा मिलाएंगे, और जो मैंने चेस्ट साइज़ का फॉर्मूला बताया, मान लो कि इसका जो चेस्ट साइज़ है वो 36 है, तो 36 के हिसाब से मैंने फॉर्मूला क्या बताया कि जो भी चेस्ट साइज है उसमें आप 6 का भाग दोगे और जो भी संख्या आएगी उसमें 1 जोड़ दोगे, तो क्या मिला 7 इंच। तो ये 7 इंच का जो निशान है वो आपको यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। 7 इंच का निशान अप्लाई करोगे और 1.5 इंच आप यहाँ पर मार्जिन अलग से और छोड़ोगे, ठीक है। फिर आप इसको ऊपर से प्रॉपर इस तरह से मिला लोगे, ये देखिए। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ पर आपको वो जो राउंडिंग शेप है वो देना है, तो ये आप बिल्कुल उसी तरह से दोगे जैसे छोटी आस्तीनों में देते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या आ जाएगा, वो जो 2.5 इंची और 3.5 इंची वाला फर्क था ना वो आ जाएगा। अगर यही 2.5 इंच पे होता तो सपोज दैट, इसको समझने के लिए एक निशान हम 2.5 इंच पर लगाते हैं और इस गोलाई को घुमाएंगे, सही वाला कौन सा है, अभी जो हमने लगाया 3.5 पे वो वाला सही है इस आस्तीन के लिए। लेकिन अगर यही हम 2.5 इंच पर लगाते तो मेजरमेंट आपका यहाँ आता, ये देखो, और उसके बाद ये गोलाई आपकी इस तरह से घूमती घूमती ना, तो इतना कपड़ा आपका एक्स्ट्रा रह जाता उस स्लीव पर, और यही पीछे पल्ले में झोल पैदा कर रहे होते हैं। पीछे पल्लों में ज़्यादा करते हैं, सामने भी करते हैं, लेकिन पीछे में ज़्यादा करता है जब आस्तीन में प्रॉब्लम होती है। तो ये इस प्रकार से ये इतना जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा रहता और ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता, समझ रहे हो। अभी हम इसको कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद मैं आप लोगों को इसका जो फ्रंट शेप छांटना होता है वो कैसे छांटते हैं उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक वाइक तो करते नहीं हो आप लोग, तो फटाफट से लाइक कर दो यार, अगर इस तरह से करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। और जिन जिन लोगों को पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना है तो आपको 100% फिटिंग गारंटी के साथ पेपर कटिंग्स वगैरह भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोग पेपर कटिंग के लिए पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं सुबह 10 से लेकर शाम को 7 बजे तक, और पूरी डिटेल पेपर कटिंग के बारे में ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने पर्सनल मेजरमेंट के हिसाब से भी हमसे पेपर कटिंग्स बनवा सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है वो आप व्हाट्सअप पर जो नंबर है उस जो नंबर चल रहा है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करें और वहाँ से पूरी डिटेल्स आप लोग ले सकते हैं कि आप खुद के मेजरमेंट के हिसाब से कैसे पेपर कटिंग्स को बनवाएंगे, ताकि आपकी जो फिटिंग गारंटी है वो 100% हो। यहाँ पर हम एक शेप को छांटेंगे इस तरह से, एक साइड को इस तरह से रख करके यहाँ पर ये निशान लगाते हैं। अब ये जो आर्म होल का जो एक पल्ला छांटता है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, और इसको छांटने का एक टेक्निक होता है किस तरह से छांटता है, इसको हम एक आध सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आज की जो ये वीडियो है इसको मैं करता हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, 2-3 अलग अलग तरीक़ों से मैंने स्लीव्स को समझाने का प्रयास किया, खासकर स्लीव्स के आर्म होल को, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।